बड़ी वाची के बाद, इतनी बड़ी किसी के बाद, वो कहते जी एक मजिस्टर साहब कहते मेरी उससे बात हुई है, हमारा ताल्लुक नहीं। तीन मजिस्टर की थी उसी टाइम, सेम टाइम पे जब ये बात करते तीन मजिस्टर कहते हमने किया, इन्होंने ये किया, इन्होंने ये किया, इन्होंने ये किया। तो ये गवर्नमेंट जो बैठी हुई है, हमें तो हैरानगी हो रही है कि ये करना क्या चाह रही है, बोल क्या रही है, और इनकी सोच और फिक्र किधर है, और क्या ये सरकार में बैठी हुई है। यानी आप आपको यकीन नहीं है कि इनका एन एफ आई आर से कोई ताल्लुक नहीं है बात साहब? ये तो इसका अगर इनका नहीं है इसका मतलब मुल्क ऑटो पे चल रहा है, ऑटोमेटिक चल रहे हैं, जो जिसका दिल आए वो कर रहे हैं। जैसे आपने कहा किसी का भी था तो यही था कि जहांगीर करीम साहब गए, आज मैं इनके स्पोक्समैन को सुन रहा था तो वो कह रहे थे हो सकता है कि एफ आई आर इन्होंने काटी। अच्छा डीआईजी भी हमारा, चीफ सेक्रेटरी भी हमारा, एसएचओ भी हमारा, डीएसपी भी हमारा, लोग भी हमारे, हम अपने ऊपर एफ आई आर भी काट रहे हैं, जेलों में भी खुद जा रहे हैं। ये बच्चों वाली बात जो एक फेडरल गवर्नमेंट का स्पोक्समैन फेडरल मिनिस्टर इस तरह की बात आ ये, यानी ये आप मानने को तैयार नहीं है अब्बास साहब, ये बताइएगा आप मानने को तैयार नहीं है कि किसी ने इंफरादी हैसियत में भी तो काट सकते हैं ना, बतौर सिटीजन ऑफ पाकिस्तान ये तो सबका हक है कि एफआईआर आप कहीं भी जाके दर्ज करवा दें। वो ठीक है लेकिन हमें बिल्कुल इसकी यकीन इसलिए नहीं है कि इन्होंने देखा, इन्होंने जो है दबाने की कोशिश की, इन्होंने अपना पूरा स्ट्रेंथ लगाया, जब उससे आवाम का एक रिएक्शन आया तो एकदम ये पीछे हट गए कि रिएक्शन बहुत बुरा है, ये बार बार गद्दार और ये, तो इन्होंने एकदम यू टर्न ले लिया। अभी दूसरा सवाल आपने मुझे किया कि ये जो तहरीक होगी, तहरीक आप देखते जाएंगे, तहरीक चलती जाएगी, जलते होंगे और इस्तीफे भी होंगे, धरने भी होंगे, और इस गवर्नमेंट का खाली ये नहीं, क्योंकि देखें आज इनकी मीटिंग हुई है कैबिनेट की मीटिंग, आज की कैबिनेट मीटिंग में इन्होंने चीनी आटे वगैरह की बात की, सिंध की बात की, बिक्री के लिए इम्पोर्ट किया, गंदम सस्ता बेच के महंगा ले रहे हैं, चीनी एक्सपोर्ट करके ले रहे हैं। ये मुल्क हो इस तरह लूटने का, इंटरनेशनल सारे इकट्ठे हो गए, एक चीज बेचते हैं दूसरी खरीदते हैं फिर महंगे रेट पे, मुल्क को एक तबाही के दयाने पे ले गए हैं। और इधर कोई बात, आप 10% का इन्फ्लेशन देखे, आप महंगाई का हद देखे, ये तो काबीना के इजलास में भी आज तस्करा हुआ है कि